Millions of children struggle for their livelihood in India. Many don't even get basic requirements like food, clothes, education, etc. And then we have heroes like Kamal Bhai, who runs a footpath school in Ahmedabad and helps lessen the struggle of unprivileged children. मेरा नाम कमल भाई जीवा भाई परमार है। मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। आज से 15 साल पहले मैं मेरा वेल्डिंग का कारखाने के बाजू में खड़ा था और बच्चे लोग पढ़ के आते थे। उनको मैंने पूछा, भाई आज क्या क्यों इतने बजे आनंद में हो? बोला खुश हो। बोला आज हमारे परीक्षा थी। बोला कैसा पेपर गया? बोला बहुत बढ़िया गया। तो उनके पास से पेपर लेके सोल्व किया, तब मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों के पास कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो उनके पास सिर्फ अक्षर ज्ञान थे। जब मेरे को ऐसा लगा कि इन बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा, जब मैंने मेरे घर पे बच्चे लोग 5-10 खड़ा करके उनको बुलाते थे और बिठा के पढ़ाते थे। आज मेरे पास 115 लड़के पढ़ रहे हैं। उनमें 15 से 20 लड़कियाँ तो ग्रेजुएट हुई है और 3 बच्चे लोग आज इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं। एक मजूर बात का छोकरा इतना आगे जाता है, वो बहुत सोचने जैसी बात है। और ये सब फुटपाथ स्कूल का परिणाम है। कभी कोई बच्चे पढ़ने में ज़रा ध्यान नहीं देता हुआ है, तो मैं उनको बोलूँ कि अब क्या करूँ मैं? फिर मैं मेरे गाल पे ऐसा लगाऊंगा तो वो बच्चे लोग ऐसे हिसाब से मेरा हाथ रोक लेगा और अब हम पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा, अपने एजुकेशन के साथ उनको जो भी ज़रूरत पड़ती है, जो भी पेंसिल के लेके ग्रुप, जो भी ज़रूरत पड़ती है, कपड़े लत्ते और खाने का, हम लोग शाम को डेली उनको खाने का भी देते हैं डेली। जब आपका बच्चा इंजीनियरिंग करता हो और वो उसको आप जब वो डिग्री मिलती है उसको, जब आपको कितनी खुशी होती है। तो मेरे पास ये जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको जब वो डिग्रियाँ मिलेंगी तो आपको एक बच्चे में इतनी खुशी मिलती है, तो मेरे पास इतना बच्चा है तो मेरे को कितनी खुशी होगी कि मेरा लड़का ग्रेजुएट हुआ, इतनी नहीं हुआ, इतना अभी मेरे को होती है। साथ काम करने जाती थी, अब यहाँ कम जाती हूँ। आज आती हूँ तब से नहीं आती जाती। बड़ी होके शिक्षक बनना चाहती कि जो गरीब बच्चे हो तो उनके पास पैसे ना हो, उनके पढ़ाने के लिए शिक्षक बनना चाहती। हमको कमल साहब जी कोई भी त्यौहार बनाते ना तो हमको कमल साहब रोकते नहीं है, और हमको पेरेंट्स इतना प्यार नहीं देते इतना कमल साहब देते हैं, और सर्दी में हमको कमल साहब स्वेटर्स ढाबला देते हैं। मेरा नाम राहुल है, मैं सेकंड स्टैंडर्ड से यहाँ पे आ रहा हूँ। कमल सर ने मुझे भी दिखा लिया, उन्होंने फाइनेंशियली भी हमने हमें मदद की और अभी मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। हेलो, आई एम सोलंकी रौनक। आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 7th स्टैंडर्ड। व्हेन आई वाज कम हियर आई हैव अ लॉट्स ऑफ ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज रिलेटेड टू माई स्टडी। माई फाइनेंशियल कंडीशन इज सो वीक, दैट कैन बी सॉल्व बाई दिस पर्सन हु इज कमल भाई। फॉर मी इज माई लाइफ चेंजिंग पर्सन। मेरी बेटी कमल साहब के वहाँ पढ़ने जाती है और मुझे खुशी है कि वो बहुत अच्छा पढ़ती है वहाँ जाके। अच्छी है, उसमें कमल गाल साहब के पास पढ़ने जा रही है, इसके लिए मैं भेज रहा हूँ। बहुत अच्छा है। वी लव कमल सर इज द बेस्ट।